gone. He looked a dead duck. So with Patel. Absolutely magnificent. Cody finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बधेल ने शनिवार को दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की 3 कॉलोनीज में लगभग 70 लाख रुपए के विकास कार्यों की आधारशिला रखी। सर्वप्रथम मदार की बैंक कॉलोनी वार्ड नंबर 46 में 6 लाख की लागत से निर्माण कार्यों का श्री गणेश किया। तत्पश्चात वार्ड नंबर 14 सर्वोदय कॉलोनी में 10 लाख की लागत से सड़क और नाली का निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इसके बाद वार्ड नंबर 11 सियाराम कॉलोनी और चंद्रवरदाई नगर के सी ब्लॉक में 50 लाख की लागत से समस्त नाली निर्माण कार्यों का शुभारंभ हुआ। शिलान्यास अवसर पर अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अलावा पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, किसूलाल, सोहन शर्मा, राजेश खाटे, हेमलता शर्मा, कौल प्रकाश, दलजीत सिंह सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अनीता बधेल ने बताया कि 3 कॉलोनीज में आज लगभग 70 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। इन क्षेत्रों में गंदे पानी की भयंकर समस्या का समाधान हो जाएगा। गंदे पानी की निकासी होगी तो सफाई भी अच्छे से मेंटेन हो पाएगी। अब लोगों की कोई समस्या शेष नहीं रहेगी। आने वाले समय में इसका फायदा लोगों को मिलने वाला है। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 3 कॉलोनियों में हमने सड़क नालियों का शुभारंभ किया है, जिससे लोगों को गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था सुव्यवस्थित हो पाएगी। वार्ड नंबर 46 की बैंक कॉलोनी में 6 लाख रुपए के निर्माण कार्यों की लागत से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। वार्ड नंबर 14 की सर्वोदय कॉलोनी में 10 लाख रुपए की लागत से सड़क और नालियों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। इसी प्रकार ये वार्ड नंबर 11 की सियाराम कॉलोनी और चंद्रवदाई नगर का सी ब्लॉक, इसमें 50 लाख रुपए की लागत से समस्त नालियों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, जिसमें गंदे पानी की निकासी की जो बहुत भयंकर समस्या थी उसका समाधान हो जाएगा और सब लोग एक साफ सफाई, जो कहते हैं कि गंदे पानी की निकासी हो जाएगी तो सफाई अच्छे से मेंटेन होगी, वो सफाई इसमें हो जाएगी। बहुत बड़ी राशि, लगभग 250 करोड़ रुपया इसमें लगने वाला है, इसलिए अब लोगों की कोई समस्या इसमें शेष नहीं रहेगी। तो मैं समझती हूँ कि लगभग अब पूरी कॉलोनी में जो है विकास के काम वो प्रारंभ हो गए हैं और आने वाले समय में इसका फायदा लोगों को मिलने वाला है।